Hey everyone, welcome back to my new horror story time. And आज का जो horror incident है, trust me, वो one of the best होने वाला है. And जो जो सुनेगा ना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि same मेरे साथ हुआ. जब मैंने incident सुना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए और मैं सच में सोचने लगा कि ऐसा भी दुनिया में हो रहा है क्या यार, या इस लेवल पर होता होगा. तुम भी जरूर सुनना एंड तक, बहुत मजा आएगा. एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा horror incident है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इस बारे में, ये भी मेरी जीमेल आईडी, यहाँ इंसिडेंट शेयर करो. मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना. तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं. आज की जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, वो उत्तराखंड का है. अब उत्तराखंड बहुत बड़ा है और ज़्यादा एरिया जो है वो पहाड़ों में, फॉरेस्ट का एरिया, बहुत कम एरिया जहाँ लोग रहते हैं. अब कुछ लोग पहाड़ों में ऐसे ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ से मेन बाजार बहुत दूर है, और कुछ लोग ऐसे पहाड़ों में रहते हैं जहाँ से मेन बाजार की दूरी 2-4 किलोमीटर है, कि वो रोज़ अप डाउन कर सकते हैं या फिर हफ्ते में अप डाउन कर सकते हैं और मेन बाजार से सामान ला सकते हैं, या मेन बाजार में व्यापार करने जा सकते हैं, या मेन बाजार में जॉब करने जा सकते हैं. बट कुछ पहाड़ों के गांव ऐसे हैं जिनसे मेन मार्केट 10-15-20 किलोमीटर दूर है, तो ना वो डेली व्यापार कर सकते हैं, ना वो डेली जॉब के लिए जा सकते हैं. तो आज का जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है राजेश और अनीता, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, न्यूली कपल हैं, और ये एक ऐसे पहाड़ में, एक गांव में रहते हैं जिससे मार्केट, मेन बाजार 10-15 किलोमीटर दूर था. ये अपने गांव में, इनके पास 4-5 खेत थे और खेती करते थे उन 4-5 खेतों में, तो ज़्यादा सामान नहीं उगा पाते थे कि लोगों को बेच सके, और अपने घर का ही बस चलाने जितना राशन उगा पाते थे. बट इनको मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इनके पास कैश नहीं था, क्योंकि इतना अमाउंट में सब्जी नहीं हो रही थी कि लोगों को बेच सके और पैसे आ सके. तो जैसे तेल लेना है, जो भी सामान तुम्हारे घर का जो पैसों में आता है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो बहुत दिक्कत में थे. तो राजेश डिसाइड करता है अपनी वाइफ अनीता के साथ कि यार हम किसी मेन सिटी वाली साइड चलते हैं उत्तराखंड में, एंड वहाँ पर मैं जॉब करूँगा, थोड़े पैसे कमाएंगे, और कुछ टाइम पैसे इकट्ठे करने के बाद हम वापस गाँव आएंगे अपने. तो दोनों अग्री करते हैं और वहाँ से मूव करते हैं अपने गांव से, ताला वगैरह लगाकर जो खेत होते हैं वो किसी को दे देते हैं कि आप लोग इनको बंजर मत होने देना, उपजाऊ रखना, आप लोग करो खेती और रख लेना सामान. तो ये ना एक सिटी में आ जाते हैं. अब सिटी भी ना पहाड़ों की कैसी होती है, पहाड़ों पर ही बनी होती है, बस थोड़ा सा प्लेन होता है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है. अब उनके आस पास भी गाँव होते हैं. अब उस सिटी के साथ ही ऊपर भी गाँव लगता था, उस गाँव में एक घर ही रेंट पर ले लेते हैं अनीता और राजेश. आप उस घर पर जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं, 1-2 दिन को सफाई वगैरह करने में लगते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रेंट वाला घर जो था वो चढ़ा नहीं था, और सफाई वगैरह करते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं. राजेश की भी उस शहर में जान पहचान थी, तो वो जान पहचान कर कर ही आया था. उसकी भी जॉब लग जाती है किसी शॉप पर. अब वो डेली सुबह शॉप पर जाता था और शाम को वापस आ जाता था. अब आंटी जो थे, जो अनीता थी, उसके साथ क्या हुआ, 2 दिन सही रहा बिल्कुल, उन्होंने सफाई वगैरह करी, सब कुछ बहुत बढ़िया था. अब उसको ना सपने आने लगे, उसको सपने में अनीता को एक एंटिटी दिख रही है जो बहुत छोटी है, 4-4.5 फुट की, बस इतनी हाइट में, पर मोटा है बहुत ज़्यादा, और अजीब पीले से कलर का, लाइट येलो कलर का, अजीब सा मोटा बोल मटोल. और वो अनीता को ना देखता है, हंसता है और बोलता है कि तुम मर जाओ या तुम मरो, बहुत मज़ा आएगा. उसको ना पूरा का पूरा नेगेटिव कर देता है. और जब अनीता सपने के बाद उठती है, एक्चुअल में वो इतनी नेगेटिव हो चुकी होती है कि उसके मन में थॉट्स आ रहे होते हैं, मैं मर जाती हूँ, जी कर क्या रखा है, हम तो गरीब ही है. अपने हस्बैंड के साथ, राजेश के साथ बात कर रही है, हम तो गरीब ही है, इससे बढ़िया तो मर जाते हैं, क्या रखा है जीने में, रोज इतनी मेहनत करके 2 रोटी मिलती है, कोई भी है वो अपनी कन्वीनियंस पूरी नहीं कर पा रहे. तो इतनी नेगेटिव हो जाती थी, 3-4 दिन उसको लगातार ऐसे सपने आते हैं. अब एक ही एंटिटी जब उसको रोज सपनों में दिखती है ना, तो अपने पति को बोलती है कि यार मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, मेरा पूरा दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहा है कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें सोच रही हूँ. अब उसका हस्बैंड क्या करता है, हनुमान चालीसा रखता है कि तू अपने तकिए के नीचे रख के सो, सब कुछ सही हो जाएगा. और गाँव के लोग क्या करते हैं, लोहा भी रख देते हैं, तो वो लोहा भी रख देता है तकिए के नीचे, चाकू, कि ये रख के सो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब वो जैसे ही उसको रख कर सोते हैं, उनको सपने नहीं आते. बट अब नेक्स्ट डे से उनके साथ क्या होता है, उनको घर में ऐसा फील होने लग जाता है कि यार कोई घर में है, कुछ ना कुछ घर में है, जो जैसे ही मेरा हस्बैंड चला जाता है वो एक्टिव हो जाता है, कभी दिखता है इस साइड है, कभी दिखता है इस साइड है, कभी दिखता है किचन में है, कभी लगता है कि पीछे खड़ा है, और इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया हो रहा
कि उनको कभी चोट लग रही है सर पर, कीचड़ में गए सर पे चोट लगी, दरवाजे से बाहर गए पैर पे चोट लगी, दरवाजे के आगे गए जहाँ गाय वगैरह बांधते हैं वहाँ गिर गए, तो हस्बैंड भी बोल रहा है यार इतनी चोट लग रही है, इतनी नेगेटिव बातें कर रही है, और वो ये नहीं बता रहे कि मुझे घर के अंदर ऐसे ऐसा फीलिंग हो रही है, मुझे कुछ दिख रहा है या फील हो रहा है कोई है। और फिर उनके साथ ना एक दो दिन बाद क्या होता है कि उनको ना वो जो एंटिटी थी ना, वो येलो जो सपने में दिखी थी वो अजीब सा, वो उनको रियल में देखने लग गया। अब वो इतना ज़्यादा डर गई उसको देखकर, क्योंकि वो किचन में काम कर रहे थे, और किचन में ना काम करते हुए जैसे वो पीछे मुड़ते हैं आवाज़ होती है पीछे, वो देखते हैं वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, इतनी सी हाइट वाला बंदा, वो जैसे डर कर इधर उधर होते हैं वो गायब। तो वो उनके साथ पहला इंसिडेंट होता है कि उनको वो रियल में दिखता है। अब शाम को उनका हस्बैंड घर पर आता है और अनिता उनको बताती है कि यार मेरे साथ बहुत अलग हो रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जीना ही नहीं है, और मुझे एक एंटिटी दिखी जो मेरे सपनों में दिख रही थी 3-4 दिन, तो कुछ इस घर में गलत है, मुझे इस घर में ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि जब आप जाते हो तो इस घर में कोई है। तो ना गाँव में ना पूजा चल रही होती है सत्संग टाइप में, कीर्तन टाइप में भगवान का, तो राजेश बोलता है गाँव में वो चल रहा है, तो एक बार जा माथा टेक कर आ, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही अनिता जाती है और कीर्तन के वहाँ पर जैसे ही माथा टेकने के लिए ना आगे जोत जली होती है, कीर्तन चल रहा होता है, वहाँ पर माथा टेकने जाती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है आधे लोगों पर भगवान भी आ रहे होते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। अब पहाड़ों में ऐसा ही होता है, मुझे नहीं पता मेन सिटीज़ में कैसा होता है, बट पहाड़ों में ऐसा ही होता है। अब वो जैसे ही जाते हैं माथा टेकने लगते हैं, एकदम से एक पर्सन पर भगवान आते थे वो उठते हैं और बोलने जाते हैं तू यहाँ से बाहर जा, तू यहाँ से बाहर जा, तू मेरे कीर्तन से बाहर जा, मेरे इस बाउंड्री में तू नहीं आएगा। अब सब ऐसे डर जाते हैं कि भाई क्या हुआ, एक औरत माथा ही तो टेक रही है कि एकदम सडनली भगवान आए, क्या हुआ। अब वो औरत को नहीं बोल रहे, वो उसको वहाँ बाउंड्री पर देखकर किसी से बात कर रहे हैं, तू वहाँ से चला जा, तू यहाँ नहीं आएगा, तू मेरी बाउंड्री में नहीं आएगा, यहाँ से चला जा। सब देख रहे हैं ऐसे कि वहाँ बात किससे कर रहे हैं, कोई भी तो नहीं है। और फिर सडनली वो शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, और वो जो अनिता थी वो भी बैठ जाती है पीछे, चुपचाप बैठी रहती है, उसको समझ नहीं आता हुआ क्या। अब जब सब शांत हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है कीर्तन, तब अनिता उनके पास जाती है और बोलती है कि आप मेरे को देखकर ऐसा क्यों बोल रहे थे, और आप वहाँ किससे बात करते, क्या हुआ। क्योंकि वो खुद ही मन ही मन बहुत डर गई कि ये सब हुआ क्या, घर में ऐसा हो रहा था, सडनली पूरे क्राउड में कोई पर्सन जिसके ऊपर भगवान आया मुझे ऐसा बोल रहे, मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो वो पर्सन बताता है कि आप मेरा कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, कोई साया लगा हुआ है, आपने जब अपना घर साफ करा होगा ना आपको कुछ मिला, आपको जरूर कुछ मिला होगा। अब अनिता बताती है कि जब मैंने घर साफ करा था तो ना एक मटका मिला था, मटके में ना राख टाइप में थी, तो मुझे लगा जो ऑनर वगैरह होगा उसका कुछ होगा, तो हमने वो बाहर रख दिया। उन्होंने कहा उसको जो तुमने आंगन में रखा हुआ है ना उसको पहले सबसे पहले बाहर फेंको, ये मटका था वो आंगन में, तो उन्होंने कहा उसको बाहर फेंको अपने घर से। एक सेकंड उन्होंने बताया कि जब तुमने अपना घर साफ करा या फिर कुछ भी वहाँ करा ना तो तुम्हें एक लिफाफे में कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो फिर बोला अनिता ने कि हाँ एक लिफाफा मिला था, उसके अंदर कुमकुम था, नारियल के छोटे छोटे से वो टुकड़े नहीं थे वो थे, हल्दी थी, मिर्च थी, ये सब था। तो अनिता बोल रही मुझे लगा पूजा का सामान था, मैंने वो विसर्जित कर दिया पानी में। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एक कोने में एक टुकड़ा भी मिला था मांस का, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, किसी चीज़ पर लपेटा हुआ था एक कोने में मांस का टुकड़ा जब उन्होंने सफाई करी। तो उन्होंने बताया कि उस घर पर किसी ने ना ब्लैक मैजिक करा था और उस घर वालों ने ब्लैक मैजिक तुड़वाया और वो ना उन चीज़ों पे बांध दिए, जो भी वो भूत प्रेत थे उन चीज़ों पे बांध दिए थे कि तुम यही बंद रहो, और वो घर छोड़कर चले गए थे कि वो उनको डिस्टर्ब ना करे जो भी वो साया था, ब्लैक मैजिक था, भूत प्रेत थे। और वो तुमने जब साफ करा ना और तुमने वो सब तोड़ा, वो आंगन में रखा, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया, इसलिए वो तुमको सपनों में भी दिख रहा होगा, इसलिए वो तुम्हें ना तुम्हारे साथ चल रहा है। और वही था जब पूजा के टाइम पे तुम माथा टेक रहे थे, वो तुम्हारे साथ था, तो वो जो भगवान थे वो तुम्हें नहीं कह रहे थे, वो उसको कह रहे थे कि उस बाउंड्री से चला जा, और वो फिर उस बाउंड्री वहाँ पीछे खड़ा हो गया था और वहाँ से भी उसको भगाया। अब वो सुनकर इतना डर गई, उसने अपने घर पर गई, वो तोड़ा बाहर फेंका, उन पंडित जी से बात कही, अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है तुमने तोड़ दिया, अब सब कुछ ठीक है, अब आपका पीछा कोई नहीं कर रहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आप रह सकते हो। बट अनिता इतना ज़्यादा डर गई थी इस इंसिडेंट से, तो उसने अपने हस्बैंड राजेश को बोला कि यार चल हम अपने गाँव जाएंगे, खेत में जितना होएगा उतना करेंगे, मैं बाहर नहीं रहूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे अंदर ये चीज़ बैठ गई। तो वो डिसाइड करते वापस गाँव जाते हैं। अब वापस गाँव चले जाते हैं, अनिता ना 3-4 दिन अपने घर के अंदर ही रहती है, बाहर भी नहीं जाती, ना घास काटने जाती है, ना खेतों में जाती है, ना किसी से मिलने जाती है, अपने रूम में बैठी हुई है, घर पे बैठी हुई है, और
बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और उसके साथ ना अभी भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, उसको लग रहा था कि कोई है आसपास, कुछ है, बट उसको अब ये लग रहा था कि शायद मेरा व्यायाम कम नहीं हुआ। अब क्या होता है, 3-4 दिन बाद वो शाम को घास लकड़ी वगैरह लेने जाती है जंगल में, शाम को 3-4 बजे के करीब। अब जब वो जंगल में जाती है, जो जिस पहाड़ पर उनका गांव था, मैंने तुम्हें बताया वहाँ से मार्केट 10-15 किलोमीटर दूर थी, तो पहाड़ बहुत बड़ा था, घना था, तो गांव से काफ़ी दूर जाते थे लकड़ लेने, घास लेने, सब चीज़। अब वो लकड़ घास लेने जाती है और उसको ना ऐसा फील होता है उसके साथ कदम पे कदम चल रहे हैं, कदम पे कदम चल रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देख रही है कोई भी नहीं है। अब जो भी वो चीज़ थी ना, वो उसके साथ छलावा कर रही थी, छल पैदा कर रही थी, डरा रही थी उसको। अब जैसे जैसे वो चल रही है ना, तो उसको आवाज़ें आ रही है, उसके साथ कदम चल रहे हैं, टक 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 टक, पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं, जैसे उसको ऐसा लग रहा है सामने चल रही है कि साथ में कोई चल रहा है। तुम ऐसे चलते हो तो ऐसे आँख से पता लगता है ना कि कोई साथ में मूवमेंट कर रहा है, कोई साथ में चल रहा है, तो उन्हें पता लग रहा है मेरे साथ में कोई चल रहा है। अनिता को जैसे ही देखे कोई नहीं, एकदम से ना जैसे डर जाए, पीछे आगे हर जगह देख रहा, कोई नहीं दिख रहा, फिर पीछे देखे कोई नहीं है, फिर चलने लगे, आवाज़ आ रही है टक 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 टक। अब क्या होता है, वो थोड़ी दूर तक जाती है, इतना ज़्यादा डर के अपने माता का नाम ले जा रहे हैं, माता मेरे को बचा लो, माता मुझको बचा लो, माता मुझको बचा लो। थोड़ी दूर तक चलते हैं क्योंकि वो बीच जंगल में थे, पीछे से पत्थर फेंकता है कोई। अब उनके आगे वो चल रहे हैं, कोई पत्थर गिरा और वो आगे पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं है, और उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि पत्थर गिरा। अब उनको ये समझ आ गया कि कोई छल छद्र वगैरह ये गांव में बोलते हैं पहाड़ों में, ये लग गया उनको डरा रहा है वो। अब जैसे तैसे दिन पर हाथ रख के आगे आगे चल रहे हैं, 3-4 और पत्थर गिरते हैं उनके सामने। अब वो पूरा इधर उधर देख रहे हैं, कोई भी नहीं है, बस नाम ले जा रहे हैं माता का नाम ले जा रहे हैं। सडनली थोड़ी दूरी पर पहुँचते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी एंटिटी आती है, कम से कम 7-8 फुट की, एकदम काले, एकदम काले, पूरे ब्लैक, वो लेडीज थे कोई। और जैसे ही नीता उनको देखती है इतना घबरा जाती है बस ऐसे, और हाथ जोड़े हुए, हे माता मुझे घर छोड़ दे, हे माता मुझे इन चीज़ों से बचा लो, हे माता मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मेरे साथ ये मत हो, मुझे बचा लो, बस ये चीज़ दोहरा रहे। और जो वो एंटिटी थी वो ना लेडीज थे कोई, लंबे थे, ऐसे चमक रहे थे, काले रंग के थे, लंबे लंबे बाल, माला वगैरह पहनी हुई थी उन्होंने। और उन्होंने ना सिर्फ एक चीज़ बोली अनिता को, मुड़ यहाँ से, अपने घर जा, और पीछे मुड़ के बाद देखना, बस मुड़ और अपने घर जा। और अनिता ऐसे डर डर में मुड़ी और बस चलने लगी अपने गांव की तरफ को। और चलते 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 बस माता का नाम लेते हुए, जो उनकी माता थे, अब उन्होंने क्या नाम बताया था कि जंगल में एक देवी होते हैं, वो मैं भूल गया, बट उनका नाम लेते 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 वो अपने घर पहुँचे। अपने घर पे उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने गांव में पूजा वगैरह रखी, पूजा कराई, उनके हाथ में ये कलेवा होता है ना जो ये बांधा, डोरी बांधी, सब कुछ पूजा वगैरह करी, रोट वगैरह काटे, सब कुछ हो गया। सब ने कहा कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। बाद में पंडित जी बताते हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहा था एक्चुअल में वो वही था जो भूत प्रेत, वो ब्लैक मैजिक वाला था, जो बदावा था, वो तुमसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गया था कि वो पीछा करते करते पीछा करते 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 वो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया था, और वो तुम्हें यहाँ भी हॉन्ट कर रहा था तुम्हारे गांव में। अब जब तुम जंगल में गए तो वही तुम्हें परेशान कर रहा था, हॉन्ट कर रहा था। अब जो तुम्हें दिखी थी ना वो एंटिटी, जो ब्लैक रंग के थे, चमकदार थे, और जिन्होंने बोला तुम्हें कि अपने घर की तरफ जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना, वो वन देवी थे, वो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, वो देवी थे तुम्हारे। अब पहाड़ों में ना हर जंगलों में देवियाँ भी होती हैं, तो वो देवी थे और उन्होंने तुम्हारी रक्षा करी, और उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम जा और पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ नहीं होगा। और वो एग्जैक्टली गए वैसे ही। एंड उस दिन के बाद, इनको पहले बेबी नहीं था, कुछ टाइम बाद इनको बेबी हुआ, बेबी होने के बाद बेबी बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, बीता समय और बीता, और आज का टाइम है, उस दिन के बाद आज तक उनको कभी ना डर लगा, कभी ना कोई भूत प्रेत दिखा, कभी ना कोई छाया ऐसे छल वगैरह लगा, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। तो वो बताते हैं कि उनको उस दिन जो वन देवी थे, जो माता थे, उन्होंने वरदान दिया था, जो उन्होंने मांगा वो वरदान दिया। अब इन्होंने बोला था मुझे इन सब से बचा लो और मुझे मेरे घर पहुंचा दो जैसे तैसे, तो वो घर पहुंचे और इन सब से बचा ले, और वो आशीर्वाद था कि आज के बाद ऐसे कोई भी चीज़ तेरे को कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। अब वो आधी रात को भी जंगल में चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, दिन में घूम रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई छल नहीं, कोई डर नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ नहीं, इतना सा डर भी नहीं आता उनके मन में। तो उस दिन
उन वो माता थे और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो बोलते कि उस दिन शायद मैं अगर कुछ और भी मांगती ना तो माता वो मुझे दे देते, बट मैं उस दिन इतना डरी हुई थी और मैंने ये चीज़ मांगी और मुझे ये एज अ वरदान मिला। और कहते हैं ना कि कभी भी तुम्हें कभी भी कोई भी मिल जाता है और वो उस टाइम पर तुम्हारा वरदान पूरा कर दे, तो उस टाइम माता ने उन्हें दर्शन दिए थे, वो देख नहीं पाए कम्प्लीटली, बट जो भी थी लंबी सी एंटिटी थी और पूरे ब्लैक थे। अब पता नहीं यार, मुझे तो ऐसे हुआ कि मतलब ऐसा भी होता है कि यार कि माता दिखे, उन्होंने बोला और उसके बाद वो चीज़ कभी हुई नहीं, वरदान दिया उन्होंने, सच में वो एग्जिस्ट करते हैं क्या? पर बहुत अमेजिंग था सुनकर जैसे उन्होंने बताया, एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे यार कि गजब है यार। तो यार तुम सबका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिप्लाई करता हूँ एंड जो भी आपके ओपिनियन होते हैं उन पर अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है। और ज़रूर बताना अपने ओपिनियन इस इंसिडेंट के बारे में खासकर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। एंड आप लोगों के पास भी अगर कोई इंसिडेंट है तो ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगी सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉर इंसिडेंट के लिए बस इतना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।